देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का ऐलान, 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोग पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, एसआई के पूर्व डीजी बीबी लाल, मौलाना वहीदुद्दीन खान को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत पद्म विभूषण, तरुण गोगोई और रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल, मौलाना कल्बे सादिक को मरणोपरांत पद्म भूषण और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत पद्मश्री से नवाजा गया। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, पीएम के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को पद्म भूषण से नवाजा गया। गलवान में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र और सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। पद्म सम्मानों के ऐलान पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, बोले इन असाधारण व्यक्तियों ने दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रोशनी से नहाया राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और बीएमसी की बिल्डिंग को भी रोशन किया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन, संविधान और तिरंगे के प्रति सम्मान और आस्था व्यक्त की। राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई, बोले शासन के साथ आम नागरिक भी संविधान के आदर्शों का पालन करेंगे। देश के अन्नदाताओं को राष्ट्रपति ने सलाम किया, बोले कोरोना के बावजूद कृषि उत्पादन में नहीं आने दी कमी। कोविंद ने कहा, देश किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, अनेक चुनौतियां भी किसानों को रोक नहीं पाई। सैनिकों पर राष्ट्रपति ने गर्व जताया, बोले 50 डिग्री तापमान और -50 से 60 डिग्री तापमान में भी डटे रहते हैं सैनिक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी, बोले संविधान को लेकर हमारी प्रतिज्ञा। प्रधानमंत्री मोदी ने बाल पुरस्कार विजेताओं का हौसला बढ़ाया, बोले आपकी सफलता में विनम्रता होनी चाहिए। पंजाब के सीएम अमरिंदर ने जलियांवाला बाग स्मारक पार्क की बुनियाद रखी, शहीदों को किया याद। सुप्रीम कोर्ट ने बेअंत सिंह के हत्यारे की याचिका पर केंद्र सरकार को आखिरी मौका दिया, केंद्र ने कोर्ट से मांगा 2 हफ्ते का समय। भारतीय अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र ने उच्च स्तरीय सलाहकार समिति में नॉमिनेट किया। डीआरडीओ ने किया आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण, हवा में कई टारगेट को एक साथ ध्वस्त कर सकती है। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा, लखनपुर के पास सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 2 पायलट घायल। दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली को मंजूरी दी, रैली में 5,000 ट्रैक्टर के साथ 5,000 लोग शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैक्टर रैली को इजाजत, 2/3 सड़क को खाली रखना होगा। ट्रैक्टर रोक कर भाषण देने की इजाजत नहीं, रैली में बैलगाड़ी, रिक्शा, ठेले का इस्तेमाल नहीं। ट्रैक्टर रैली में स्टंट करने की मनाही, किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं, एम्बुलेंस को रास्ता देना होगा। गणतंत्र दिवस के बाद भी नहीं रुकेंगे किसान, दर्शन पाल बोले 1 फरवरी को संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे। दिल्ली के 5 बॉर्डर से और हरियाणा के 4 बॉर्डर से परेड निकालेंगे, किसान नेता बोले 27 जनवरी तक ट्रैक्टर परेड चलती रहेगी। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा हम ही किसान हैं और हम ही जवान हैं। 26 जनवरी को मार्च पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, शांतिपूर्ण मार्च किसान और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हाई लेवल बैठक, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस के अधिकारी और आईबी चीफ शामिल रहे। गृह मंत्री की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस, किसानों की ट्रैक्टर रैली और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, 3 रूट पर परेड होगी, रूट डायवर्जन का भी ऐलान। आम लोगों को गाजीपुर बॉर्डर और NH9 को अवॉइड करने की सलाह, आउटर रिंग रोड और GT रोड पर ट्रैफिक कर्मी तैनात। NH44 और कांझावाला की ट्रैफिक डाइवर्ट, NH10 रोहतक रोड, टिकरी बॉर्डर, नागलोई और नजफगढ़ रोड को अवॉइड करने की सलाह। दिल्ली कमिश्नर SN श्रीवास्तव का बयान, पुलिस और किसान नेताओं ने तय रूट का दौरा किया, अराजक तत्वों पर पुलिस की नजर। किसानों से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर की अपील, बोले ट्रैक्टर रैली के दौरान शांति बनाए रखें। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, ट्रैक्टर रैली के लिए किसानों को सरकार नहीं दे रही डीजल। पंजाब सरकार ने सोशल मीडिया पर फैली अफवाह को खारिज किया, बोले पेट्रोल पंप बंद करने की खबरें गलत। कृषि मंत्री ने सरकार के कामकाज गिनाए, बोले MSP ने प्रधानमंत्री के 1.5 गुना ज्यादा, पीएम ने 1.5 गुना ज्यादा किया है। तोमर बोले 6 साल में किसान की आमदनी बढ़ी, खेती तकनीक से जुड़ी। नए कृषि कानून के पीछे तोमर ने सरकार की साफ नीयत का जिक्र किया, बोले किसानों को मिलेगा सही दाम। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई, कहा जल्द खत्म हो जाएगा आंदोलन। तमिलनाडु में कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी का हल्ला बोल, कहा भारतीय कृषि को बर्बाद कर देंगे कानून। मुंबई में आंदोलन कर रहे किसानों को पुलिस ने रोका, राजभवन तक पहुंचना चाहते थे प्रदर्शनकारी किसान। किसानों ने दावा किया कि उन्हें राज्यपाल से मिलने की इजाजत थी, लेकिन वो गोवा चले गए।
शरद पवार का बड़ा बयान, कहा किसानों की लड़ाई छोटी नहीं, सत्ताधारी किसानों के बारे में नहीं सोचते। शरद पवार बोले, राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का समय था लेकिन किसानों से मिलने का समय नहीं था। शरद पवार के आरोप पर राज्यपाल कुशियारी का पलटवार, बोले गोवा विधानसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम तय था। देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले आंदोलन के नाम पर कुछ पार्टी ड्रामा कर रही है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सरकार से दूसरा बिल लाकर कृषि कानून की वापसी की मांग की। एलएसी पर सिक्किम के नाकुला में भारत चीन सैनिकों के बीच मामूली झड़प, 20 जनवरी को भिड़े दोनों देशों के सैनिक। भारत चीन सैनिकों की झड़प पर सेना ने बयान जारी किया, नाकुला में भारत चीन सैनिकों के बीच हल्की झड़प हुई थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा शांति बरकरार रखने के लिए चाइनीज आर्मी प्रतिबद्ध। चीन ने भारत से एक तरफा कार्रवाई न करने की अपील की। चीन का विदेश मंत्रालय बोला, इससे तनाव और बढ़ेगा। राहुल गांधी ने तमिलनाडु से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, कहा 6-7 साल में कमजोर और विभाजित भारत आता है नजर। शिवराज सिंह चौहान का राहुल पर पलटवार, बोले देश के विभाजन का पाप भी कांग्रेस के माथे पर है। शिवराज ने पूछा, आजादी के बाद हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाकर देश की जमीन पर चीन ने कर लिया था कब्जा, तब किसकी सरकार थी? ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला, बोली बीजेपी का नाम भारत जलाओ पार्टी होना चाहिए। टीएमसी छोड़ने जा रहे नेताओं को ममता ने चेतावनी दी, बोली जल्द छोड़े पार्टी, बंगाल और टीएमसी को आपकी जरूरत नहीं है। नेताजी के समारोह में ममता के गुस्से होने पर बोले योगी आदित्यनाथ, हमने किसी पर जय श्री राम कहने का दबाव नहीं बनाया। वंशवाद पर ममता के भतीजे अभिषेक का बयान, बीजेपी में एक परिवार के केवल एक नेता साबित हुए तो टीएमसी में मेरे परिवार से अकेली ममता बनर्जी रहेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी बोले, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तेजी से हो रहा है निर्माण, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नए यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के गठन का आदेश दिया, 28 फरवरी तक का समय। जेल में ही रहेंगे यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। मुजफ्फरपुर में छात्रों का संग्राम, एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज। वैक्सीन वाली अफवाहों पर सख्त केंद्र सरकार, राज्यों को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में केवल 220 नए मामले, 456 रिकवर हुए। केरल में कोरोना के 3,361 नए केसेस, एक्टिव केसेस की तादाद 70,624। यूपी में 29 जनवरी और 4-5 फरवरी को वैक्सीनेशन का अगला चरण, स्वास्थ्य कर्मियों के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को भारत बायोटेक ने भेजा प्रशंसा पत्र, तय सीमा के अंदर कर दिखाया ट्रायल। 10 करोड़ के करीब पहुंचा दुनिया में कोरोना केसेस का आंकड़ा, अब तक 21,40,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अकेले अमेरिका में 2,57,00,000 से ज्यादा केसेस, करीब 4,30,000 अमेरिकियों की मौत हुई। रूस ने सीरिया में अपने बेस पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया, जवानों को लगे स्पुतनिक वी के टीके। जर्मनी पर बर्फबारी और कोरोना की दोहरी मार, सीमा पर कोरोना टेस्टिंग के लिए लंबी कतार। ऑस्ट्रेलिया ने फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी, नॉर्वे में वैक्सीन से मौत पर रिपोर्ट मांगी थी। ब्राजील में 2,17,000 से ज्यादा मौत पर संग्राम, बोल्सोनारो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से चीन डरा, चीन की शर्तों से परेशान बांग्लादेश ने भारत से कॉन्टैक्ट किया। भारत ने बांग्लादेश को फौरन भेजे 50,00,000 डोजेस, कोविशील्ड के फ्रीजर वैन बांग्लादेश पहुंचे। ऑनलाइन होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस समिट, प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को संबोधित करेंगे। 2019 में क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत 7वें स्थान पर रहा, 2021 का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी। तनाव कम होने के बाद अब इसराइल के तेल अवीव में दूतावास बनाएगा संयुक्त अरब अमीरात, कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली। नेपाल के काठमांडू में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने, चीनी फाइटर जेट्स के जवाब में अमेरिका ने अपने समुद्री जहाज भेजे। जो बाइडेन के ओवल ऑफिस की शोभा बढ़ा रहा है, चंद्रमा से लाया गया पत्थर, 332 ग्राम का पत्थर अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्री लाए थे। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर, कई इलाकों में 18 इंच तक बर्फ जमा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बीच भारी बर्फबारी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने मस्ती भी की। 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट बंद होने से जुड़ी अफवाह पर बोली सरकार, आरबीआई ने नहीं की है घोषणा, दावा फर्जी है। लॉकडाउन ने भारत के अरबपतियों को 35% और अमीर बनाया, ऑक्सफार्म की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों नौकरियां गई। 2020 में भारत में विदेशी निवेश में 13% बढ़ोतरी, अमेरिका छोड़कर कई कंपनीज ने चीन और भारत का रुख किया। कोरोना के केसेस घटने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत, जल्द पटरी पर लौट सकती है इकॉनमी। ई कॉमर्स कंपनीज पर व्यापारी संगठन
कैट का आरोप, उत्पादों की पूरी जानकारी ना देकर कंपनीज कर रही हैं दिन दहाड़े डकैती। यूएस डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया, एक डॉलर की कीमत 72.94 रुपए, सेंसेक्स 531 और निफ्टी 133 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हुआ स्थगित, ये मैच 18 से 22 जून के बीच खेला जाएगा।